बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों बहुत खुश है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर सफलता पाई है। प्रियंका चोपड़ा शादी करके अपना घर बसा चुकी है। प्रियंका चोपड़ा ने बीते दिनों ही निक जॉन से शादी रचाई है। दोनों की शादी बहुत ही आलीशान रही। राजशाही अंदाज में इस कपल ने जोधपुर के उम्मीद भवन में शादी की। दोनों ने दो रीति रिवाजों से शादी की। 1 दिसंबर को जहां पर देसी गर्ल ने क्रिश्चियन वेडिंग की तो वहीं 2 दिसंबर को दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। इन दिनों पीसी अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही है। हाल ही में प्रियंका ने बताया कि उनकी शादी के दौरान उनकी मां मधु चोपड़ा उनसे और उनके पति निक जॉन से नाराज थी। दरअसल हाल ही में प्रियंका चोपड़ा एलन डिजेनर्स के शो पर पहुंची थी। प्रियंका चोपड़ा इस शो पर गई तो यहां पर प्रियंका ने जमकर मस्ती की और साथ ही कई दिलचस्प बातें भी शेयर की। प्रियंका ने इस दौरान बताया कि मेरी माँ मेरी शादी में नाराज हो गई थी। शादी में हमने लगभग सभी मेहमानों को बुलाया था लेकिन माँ की तुलना में मेरी मेहमानों की लिस्ट काफी छोटी थी, इसी वजह से माँ मुझसे नाराज थी। माँ मुझसे पूरी शादी भर नाराज रही। वो चाहती थी कि मैं एक अलग से पार्टी दूँ। शादी में वो मुझे कह रही थी मैंने अपनी ज्वेलरी डिजाइनर और हेयर ड्रेसर को क्यों नहीं बुलाया। वो बस यही चाह रही थी कि मैं सब कुछ अच्छे से करूँ, कोई भी मुझसे जुड़ा व्यक्ति शादी से छूट ना जाए। माँ का मन था कि मैं जो पार्टी रखूँ उसमें करीब 15,000 लोगों को बुलाऊँ। अब जो भी हो शादी हो चुकी है और मेहमान भी आकर जा चुके हैं। प्रियंका ने अपनी शादी बड़े ही भव्य तरीके से की थी। शादी के बाद प्रियंका ने दिल्ली में एक शानदार रिसेप्शन भी दिया जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और इसके बाद उन्होंने मुंबई में 2 शानदार रिसेप्शन भी दिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।